हेलो फ्रेंड्स, मोहन लाइक किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्टफ्ड कैप्सिकम। ये देखिए, ये हमने इसलिए चार कैप्सिकम लिए हैं और इसके लिए हमने ये सब सामान ले लिया है। आलू टमाटर मटर बॉयल कर लिए हैं, गाजर कद्दूकस कर लिया हुआ है। आप चाहो तो इसमें बारीक कटी प्याज भी ले सकते हो और इसके लिए इतने सारे ये सब स्पाइसेस हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। शिमला मिर्च को पहले लिए हैं। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दिए और आलू इनको सबको कलर। देखिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई में थोड़ा सा बिल्कुल एक चम्मच तेल डाल दिया, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगेगा। और सबसे पहले देखिए तेल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे हींग। दो पिंच हींग डाल दी सबसे पहले। फिर हम डालेंगे इसमें जीरा, आधा चम्मच जीरा डाल दिया। फिर इसमें हम जीरा हींग को चटकने देते हैं अच्छे से। हींग गिरा दो, अच्छे से हो गया। अब इसमें हम थोड़ी सी बनारसी टाइप डाल देंगे और इसके बाद इसमें हम डालेंगे उबली हुई थोड़ी सी फीकी हुई चने की दाल एक चम्मच भर के वो डाल देंगे। इससे थोड़ा सा क्रंची सा स्वाद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और इन सबको डालने के बाद ये सब हो जाए तो इसमें हम एक चम्मच फटाक से हल्दी डाल देंगे। और हल्दी बस जलने ना पाए तुरंत इसमें हम ये टमाटर तो काट के रखे हैं उठा ले रहे हैं। अब जाओ तो प्याज भी काट के बारीक डाल सकते हो। और बस टमाटर डाल दिए हमने, ये बॉयल्ड हमारे मटर रखे थे उनको डाल दिए। और ये हम गाजर कद्दूकस करके रखा हुआ है इसको डाल देंगे। इन सबको हम इस तरीके से चला लेंगे। अब इसमें हम नमक डाल देंगे एक चम्मच पूरा भर के अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इसको हम थोड़ा सा नम हो जाने देते हैं, फिर और मसाले डाल देंगे। ये देखिए ये हमारा मटर टमाटर गाजर ये सब पक चुके हैं, जो और मतलब हो गया सही से। अब इसमें हम बाकी के थोड़े से ये आलू हमने उबाल के और बॉईल करके पीस के बिल्कुल अच्छे से देखिए मटर बना रखा है इसको डाल देते हैं। अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे, फिर साथ ही सब मिला देंगे। अब ये देखिए काला नमक मिला देंगे आधा चम्मच। ये हम आधा चम्मच जिंजर पाउडर ले लेंगे, आधा ही चम्मच डालेंगे। अगर आपके पास हरी वो ताजी अदरक हो तो वो आप अदरक भी ले सकते हैं। चिली फ्लेक्स आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे, आधा ही चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। और हम इसमें कसूरी मेथी आधा चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। काली मिर्च आधा चम्मच, वैसे और कम भी आप कर सकते हैं काली मिर्च क्योंकि कड़वा ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए या आप अपना स्वाद के साथ देख लीजिए। और भुना पिसा जीरा आधा चम्मच। और इन सबको हम अच्छे से चला देंगे। ये देखिए इसमें हमने आधी चम्मच पीसी खटाई ले ली है जिससे इसमें खट्टापन आ जाए। और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इन सबको हमने 5 मिनट तक सौते कर लिया है, इसके बाद इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये देखिए ये हमारा थोड़ा ठंडा हो गया। अब इसको हम इसमें भरेंगे। भरने के लिए एक चम्मच ले लिया है बढ़िया से, दिखाया ये देखिए आप इस तरीके से भर दीजिए जल्दी से चारों तरफ। इसमें ऐसे दबा दबा के इसको अच्छे से ऐसे करके दबा के पूरा भर दीजिए अच्छे से पूरा हमारा शिमला मिर्च। ये देखिए पूरा शिमला मिर्च भर गए। इसको इसी तरीके से हम सारे शिमला मिर्च को भर के रख लेंगे। देखिए ये हमारे सारे शिमला मिर्च इस तरीके से ये देखिए ये भर गए। अब इनको आप चाहो अगर आपके बहुत बड़े हैं तो आप इनको ऐसे पीस से काट लीजिए। अगर बहुत छोटे शिमला मिर्च हैं आपके तो भी ना काटिए कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारे बड़े बड़े हैं तो इनको देखिए हमने इस तरीके से काट लिए। ये देखिए इस तरीके से देखिए हमने सारे शिमला मिर्चों को पीस से काट लिया। ये देखिए अब इन शिमला मिर्च को पकाने के लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई में डाल दिया तेल पूरा 1 TBSP भर के डाल देंगे। और बस इसको अच्छे से गर्म हो जाए। ये देखिए तेल से धुआं निकलने लगा, इसका मतलब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें हम एक एक करके सारे शिमला मिर्चों को ऐसे डाल देंगे। ये देखिए इसको हमने सारे कढ़ाई में डाल दिए। अब इनको हम स्लो फ्लेम में 5-10 मिनट अच्छे से पकने देते हैं, फिर चला देंगे 5-10 मिनट बाद। इसी तरह उलट पलट के सारे सेकेंगे। ये देखिए ये हमारे सब अच्छे से सेक गए। अब आप चाहो तो इनको सर्व कर लीजिए। ये देखिए ये हमारे शिमला मिर्च बनके तैयार हो गए और देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं एकदम क्रिस्पी। और ये देखिए मैं गोल्डन ब्राउन भून गया। इनको आप इसी तरह बनाइएगा, आप भी बना के जरूर ट्राई करिएगा, अच्छे लगते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। थैंक यू।